दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। आज आपको समाज सेवा की ऐसी मिसाल दिखाएंगे जो आपको रोमांचित कर देगी। आज आपको एक ऐसी बस के सफर पर ले चलेंगे जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि बस में सफर के अलावा पढ़ाई भी हो सकती है। यह बस गांव-गांव जाकर बच्चों के सपनों को उड़ान दे रही है और उसकी हर सीट पर कंप्यूटर लगा है। आपने ट्रेन और एरोप्लेन में तो हर सीट पर मनोरंजन के लिए स्क्रीन लगी हुई सुनी और देखी होगी, लेकिन आज हम आपको यूपी के सीतापुर जनपद में वो ऐसी बस दिखाएंगे जिसकी हर सीट पर लैपटॉप लगा हुआ है। दरअसल ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र ने सीतापुर जिले में एक बस चलाई है जिसकी हर सीट पर लैपटॉप लगाया गया है। इसके जरिए गांव के हर बच्चे को निशुल्क कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। आपको इस बस के सफर को दिखवाते हैं अपने सहयोगी ज्ञानेंद्र मोर के साथ। आज हम अमरगंज गांव में आए हुए हैं। यहां पर जो है एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के माध्यम से जो है बच्चों को जो है कंप्यूटर का ज्ञान दिया जा रहा है, कंप्यूटर का की शिक्षा दी जा रही है। ये बस जो है गांव-गांव तक जाती है और जो है बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान देती है। तो आज हम इस गांव में आए हुए हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये सामने बस खड़ी हुई है, बस में बच्चे भी बैठे हुए हैं। और अब हम जो है जानकारी करते हैं कि यहाँ पर जो है ये बस जो है क्या क्या पढ़ाती है, क्या क्या सिखाती है, कंप्यूटर में किस किस प्रकार से जो है लोगों को क्या करती है। आइए हम बात करते हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर है। यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो है एकल ग्रामोद्यान फाउंडेशन के माध्यम से जो है बच्चों को जो है, महिलाओं को, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, यहाँ पर जो है बस के माध्यम से जो है, फाउंडेशन के माध्यम से जो है कंप्यूटर का ज्ञान लोगों को दिया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर जो हमारे हैं मनीष श्रीवास्तव जी, इनसे जो है पूरी जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये बताते हैं। हाँ जी बताइए। नमस्कार सर, आपको बताना चाहेंगे इस जो संस्था है हमारी गांव पे काम करती है, संस्था का नाम एकल अभियान है, उसी के अंतर्गत आती है ग्रामोत्थान योजना। ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र के अंदर अभी आपको जो हम बच्चों को गांव-गांव ले जाके कंप्यूटर से, बच्चों को गांव में ही जाके कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान देते हैं। इसके अलावा हमारा एक केंद्र है ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र नैमिष सेमरा बिठोली में, वहां पे क्या है कि नज़दीक गांव के जो बच्चे हैं वहां पे आके कंप्यूटर सीखते हैं। इसके अलावा हमारी बहनें भी हैं जो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, तो उनको हम, हमारी संस्था सिलाई का बेसिक ज्ञान देती है, जैसे अपने घर के कपड़े सिल सके। इसके अलावा किसानों को जैविक खेती करना, और जो जैविक खेती करके कम लोगों का स्वास्थ्य देख रहे हैं आए दिन खराब रहता है, तो जैविक खेती करें। और ये अभी तक हम अपनी बस से लगभग 100 गांव में बच्चों को पढ़ा चुके हैं और लगभग 1400 बच्चे अभी तक कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज आप ये बताइए कि यहाँ पर जो है जो आप कंप्यूटर सिखाते हैं तो इसमें जो है कौन सी एप्लीकेशन, कौन सा कोर्स आप बच्चों को सिखाते हैं? ये डीसीए कोर्स है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर को इसमें बच्चों को नोटपैड, वर्डपैड, एक्सेल और इंटरनेट हो गया, एमएस पावर पॉइंट, इतनी इसका बेसिक ज्ञान दिया जाता है बच्चों को। कितने महीने का कोर्स ये है आप करवाते हैं यहाँ पे? ये 6 महीने का कोर्स है और हम प्रतिदिन आके 2 घंटे कम से कम गाँव में रुकते हैं और 2 घंटे में बच्चा जो भी है बेसिक ज्ञान लेने के बाद, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल का कोर्स कर लेते हैं इससे अधिक, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कोर्स करने के बाद वो अपना खुद का काम कर रहे हैं या किसी बाहर किसी फैक्ट्री में, कंपनी में जॉब कर रहे हैं प्रेजेंट। तो अभी तक आपने जो है कितने गाँव में जा करके लोगों को कंप्यूटर के बारे में बताया है, जो बस जाती है लमसम अभी तक कितने गाँव कवर किए हैं? सर अभी तक हमारे जो बस है 100 गांव में जा चुकी है। 2017 से हमारे आपके मिश्रिक तहसील से चल रही थी, अभी मिश्रिक तहसील में लगभग जो हमारे कवर में हमारी गाड़ी हमारे सेंटर से 30 किलोमीटर तक दूरी में जा सकती है, तो अभी लगभग 100 गांव हम लोग कवर कर चुके हैं, 1400 बच्चों को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान दे चुके हैं। हम अमरगंज से होते हुए अब जो है ग्राम सभा पिपरी में आए हुए हैं। यहाँ भी आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है बस जो है पिपरी गांव में पहुंची हुई है, यहाँ पर कंप्यूटर का ज्ञान देने के लिए, कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए। तो आइए, इसी बीच हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर सागर जो एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं और बारे में पता करते हैं कि आगे क्या इनकी योजनाएं हैं, क्या इनका उद्देश्य है और कहाँ तक ये जो है इस चीज को पहुंचाना चाह रहे हैं। आइए हम बात करते हैं हमारे बीच जो है
क्या नाम आपका? डॉक्टर सागर। तो आप ये बताइए, यहाँ पे जो कंप्यूटर का ज्ञान जो है गांव-गांव जा करके शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो शिक्षा दी जा रही है, हमारी एकल ग्रामो फाउंडेशन एक संस्थान है जो कई क्षेत्र में कार्य करती है और बहुत ही सराहनीय कार्य करती है। इसमें कंप्यूटर का ज्ञान है, सिलाई का है और कढ़ाई का है, तीनों शिक्षाओं का ज्ञान दिया जाता है एकल ग्रामो उत्थान फाउंडेशन संस्थान के द्वारा, जो आज काफी दिनों से निःशुल्क अपने क्षेत्र में कार्य करती आ रही है। जैसे कि चाहे वो कंप्यूटर का ज्ञान हो या सिलाई का ज्ञान हो, ये संस्थान उस उद्देश्य से चल रही है। जैसे कि जो पिछड़े हमारे क्षेत्र हैं, जहाँ के बच्चे दूर शहर में कंप्यूटर का कोर्स करने नहीं पहुँच पा रहे हैं या उनको जाने में कोई दिक्कत होती है, तो हमारी एक चैप्टर समिति है और एक हमारी संचालन समिति है। उन सबके सहयोग से जहाँ के बच्चे शहर में नहीं जा करके शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, हम लोगों का एक उद्देश्य है कि उन बच्चों तक हम अपने बस के द्वारा उन बच्चों तक जाएं और कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान उन लोगों तक पहुंचाएं। आपसे एक जानकारी करना चाहते हैं, ये जो बस फाउंडेशन के माध्यम से चलाई जा रही है, ये किन किन जिलों तक, यानी कि इसकी दूरी क्या तय करती है? मतलब क्या, जैसे कि सीतापुर है, इस समय यहाँ पे हम हरदोई में खड़े हुए हैं, हरदोई में जो है पिपरी डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो यहाँ पर ये कोई जिले हैं, इसके लिए कहीं भी बस जा सकती है? देखिए, ये जो हमारी संस्था है, ये अभी तो है तो कई जिलों में काम कर रही है और इस समय हम डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के गांव पिपरी में हैं, जो हमारी सामने बस भी है और इसके अंदर बच्चे कंप्यूटर सीख भी रहे हैं और अब तक कई जिलों में काम भी कर रही है। और हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव में जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कराए। और हमारे जो कंप्यूटर टीचर हैं मनीष श्रीवास्तव जी, उस कंप्यूटर का ज्ञान बच्चों को करवाते हैं और अच्छी तरीके से इसका संचालन करते हैं। हमारा एक ये उद्देश्य है कि जहाँ भी हमारे पिछड़े गांव हैं, जहाँ पे हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, वह हर एक बच्चे को हम लोग शिक्षित करेंगे, उन लोगों को हम कंप्यूटर का ज्ञान देंगे। और हमारी और भी सेंटर, जो हमारा मुख्य केंद्र है, वहाँ पे सिलाई का भी ज्ञान दिया जाता है और कढ़ाई का भी वहाँ पे प्रशिक्षण होता है। हमारी बहनें उसका प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने सेल्फ डिपेंड हो रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी, जिससे आगे उनको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। हम लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि सब शिक्षित हों। ऑफिस जो है इसका जो है कहाँ पे बना हुआ है यहाँ पे? जैसे कि बस यहाँ से शाम को पढ़ाने के बाद जाती है, कहाँ पर खड़ी होती है, कहीं इसका ऑफिस की लोकेशन आप कुछ बताइए। ये हमारा ऑफिस है मिश्रिक से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है, एक चित्रकोट स्थान पड़ता है, वहाँ पे इसका मेन सेंटर है। वहाँ पे सारे जो बसें हमारी इधर उधर गांव में जाती हैं, पूरा दिन बच्चों को कंप्यूटर सिखाती हैं, उसके बाद में शाम 7 बजे आकर के वहीं पे बस रुकती है, वहीं पे उसके बाद में सुबह फिर अपने गांव के लिए निकल जाती है बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान देने के लिए। अच्छा, ये जो फाउंडेशन जो चलाया जा रहा है आप लोगों के माध्यम से के थ्रू, तो इसमें जो है ये किन किन लोगों का योगदान रहता है और जो इसके जो खर्चे हैं, इसका डीजल है, पेट्रोल है, जो खर्चे हैं, जो कंप्यूटर टीचर लगे हुए हैं, इनका खर्च जो है कैसे वहन किया जाता है? ये हमारी कमेटियां बनती हैं, हमारी प्रदेश स्तर की भी कमेटी है, हमारी राज्य स्तर की भी कमेटी है और हमारी जैसे जिला स्तर की भी एक कमेटी होती है। उसके बाद में हमारे जो सेंटर बनते हैं, वहाँ की एक नगर या क्षेत्र की एक कमेटी होती है, उन्हीं कमेटियों के द्वारा, उन्हीं सहयोग के द्वारा सारी ये जो कार्यक्रम होते हैं उन्हीं के सहयोग के द्वारा होता है। और इनका जो हमारे जो भाई लोग जो इसमें सहयोग करते हैं, उनका थोड़ा सा ये है कि उनके खाने और उनके जो परिवार का जो पालन पोषण है, उसके खर्च के लिए थोड़ा बहुत उन लोगों को भी पैसा दिया जाता है संस्थान के द्वारा। इसमें जैसे हमारे यहाँ की जो संचालन समिति है, उसके जो हमारे अध्यक्ष जी हैं सुधीर सिंह जी, और हमारे साथ में जैसे अभय चौरसिया जी हैं,
और इसी तरीके से काफ़ी लोग हैं, विपिन गुप्ता जी हैं, विदय मिश्रा जी हैं और राजन मिश्रा जी हैं, इसी तरीके से कई लोग हैं कमेटी में, उन सबका सहयोग रहता है कि जो ये काम हो रहा है ये चलता रहे और जो हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं, जो बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं दूर दूर जा कर के, उनको उनके घर पे ही शिक्षा प्राप्त कराई जाए, ऐसा हम लोगों का उद्देश्य है। तो यहाँ पर ये देखिए, आप सब लोग देखिए कि यहाँ पर जो है कुछ बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में सीख रहे हैं, तो आइए हम जानकारी करते हैं यहाँ पर इनको कैसा जो है महसूस हो रहा है और उत्साहित है कि क्या, इनका हौसला क्या है। क्या नाम है आपका? रत्ना सिंह। तो जो आप ये कंप्यूटर कोर्स यहाँ पे कर रही हैं, तो इसका मेन उद्देश्य आपका क्या है? सर, इससे हम पढ़ सके, मतलब यानी जैसे कि कोई काम हमें करना हो तो हम उससे मतलब कर सके, जैसे कि कोई पेपर देने जाए जैसे कंपटीशन का, जैसे उसमें हमें कंप्यूटर तो मतलब चलाना आता होगा तभी तो कर पाएंगे सर। यहाँ पर जो है आप जो है इस बस के माध्यम के से या बस के अंदर बैठ करके एकल ग्रामोद्योग फाउंडेशन के माध्यम से कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं आप, तो इसमें जो है आपको कैसे पता लगा, किसी ने आपको बताया कि कैसे पता चला? नहीं सर, पहली बार मतलब 12 अगस्त को आए वहाँ और पूछ मतलब सब गांव में टहलने पूछा कि कैसे, कि मतलब हम लोग बैठे थे तो पूछा कि आप लोग मतलब पढ़े लिखे, मतलब हम लोगों को मतलब लगा कि हम लोग सीख नहीं रहे थे सर, हम बहुत काफी दिनों से सीखना चाहते थे पर हमें पता नहीं था, मतलब यहाँ दूर था, आने जाने का रास्ता मतलब सही नहीं था, तो सर हम लोग मतलब फिर सर यहाँ आए तो हमने सोचा कि अच्छा है चलो ठीक है कर लिया जाए सर। तो जैसे कि आपका एक कोर्स चल रहा है तो इसमें आप अभी तक क्या सीख रही हैं? सर इस समय तो वर्ड पैड मतलब समाप्त हो गया, सर ने समझा दिया, अब एसएमएस वर्ड समझाना है सबको सर, नोट पेंट और ड्राइंग व्राइंग सब सर सीख चुके हैं। यस सर। आइए हम बात करते हैं, किसी दूसरे से भी बात करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या है। क्या नाम आपका? सर खुशबू यादव। तो आपको जानकारी कैसे हुई यहाँ पर, किस तरीके से आप पहुंची यहाँ पे? सर ये पहले सर मनीष सर हमारे गांव में आए थे तो वहाँ इधर से हमारी तरफ से गुजरे तो हमसे कह रहे थे कि एडमिशन करवा लो, हम बहुत कंप्यूटर वाले, तो हमने सोचा कि चलो करवा ले, फिर पापा से पूछे तो कह रहे थे करवा लो अच्छा है, फिर सर उसी तरीके से सीखने लगे हम यहाँ। तो आगे जो है इसमें आप सीखने के बाद क्या करना चाहेंगे? सर हम जैसे कि कोई पेपर वगैरह देना चाहते हैं तो जब मुझे कंप्यूटर चलाना आएगा तभी तो दे पाएंगे। एक बार सर ऐसा हुआ, हमारा पेपर लगा था तो हमें कंप्यूटर चलाना आता नहीं था तो उसकी वजह से सर मेरा पेपर छूट गया। यहाँ पर सबसे ज्यादा गांव में आपको देखने को ज्यादा से ज्यादा लड़कियां ही नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा होता है जो लड़कियां जो है बाहर नहीं जा पाती है उनके लिए ये फाउंडेशन जो है लगातार जो है प्रयास कर रहा है और कंप्यूटर सिखाने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है। आइए किसी और से जानकारी करते हैं। क्या नाम आपका? सर साधना सिंह। अच्छा, तो आपको जानकारी कैसे हुई? सर एक बार सर आए मेरे गांव में तो मतलब हम लोग अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे तो सर ने जानकारी दी कि कोई लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हो, तो सर हमें बहुत उत्साह था कि कंप्यूटर अब इस समय के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है, इसीलिए हम लोगों का इतना उत्साह था, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर सीखने के लिए जैसे ही सर ने कहा हम लोग वहां पहुंचे गाड़ी के पास, तो सर सीखने का मुझे बहुत ही उत्साह था तो सीखना बहुत सर हम सीख गए हैं। जो कहाँ रहती हैं आप? सर अमरगंज में। आप बताइए। सर नंदिनी नाम है मेरा। सर हम तो काफी समय से सीखना चाह रहे थे, पर शादी से पहले भी सीखना चाह रहे थे पर शादी हो गई उसके बाद में कोई मौका नहीं मिला सीखने का क्योंकि दूर जाना पड़ता था काफी, इस वजह से नहीं सीख पाए, बाहर गए काफी समय बाहर रहे, वहाँ भी कई जॉब के लिए हमने अप्लाई किया और वहाँ पे कंप्यूटर के बारे में पूछा गया तो हमें नहीं आता। यहाँ से कंप्यूटर जैसे कि मान लीजिए यहाँ तो गांव-गांव बस के माध्यम से कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, वैसे अगर बात कही जाए तो यहाँ से लमसम मिश्री जो आपका जो की दूरी है जो कस्बे हैं वहाँ पर लमसम कितनी दूरी पर कंप्यूटर जो संस्थान खुले हुए हैं और अन्य संस्थान, तो वहाँ पर क्या ज्यादा दूरी है क्या? यस सर काफी दूरी है, इस वजह से हम लोग सीखने नहीं जा पाते हैं, जब यहाँ पे सर आए हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे सिखा रहे हैं सर तो हम लोगों को जो मौका नहीं मिल पा रहा था सीखने का तो सर के द्वारा हम लोगों को सीखने का मौका मिला, इस वजह से हम लोगों ने अपना अपना नाम लिखवाया और फिर सीखने लगे और सर
सर ने सिखाया, सर का सिखाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। सर ने जब से सिखाया है हम लोगों को काफी पता हो गया है। हमें माउस भी पकड़ना नहीं आता था सही से, लेकिन अब नोट पैड, वर्ड पैड, एक्सेल और इंग्लिश में टाइपिंग करना, अब इस समय हिंदी में टाइपिंग करना हम लोग सीख रहे हैं। और हम लोगों को सर के द्वारा बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई। सर बहुत अच्छे हैं, जिससे हम लोगों का विकास जो है कि हम लोगों के दिमाग जो है कि हम लोग कहीं भी कुछ कर सकते हैं। आप कहां से हैं? सर अमरगंज से। आगे भविष्य में जो है कंप्यूटर सीखने के बाद आप क्या करना चाहें? सर हम तो कोई जॉब करना चाहते हैं। यस सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से बस के अंदर कंप्यूटर लैपटॉप रखे हुए हैं और सभी की सीट अलग अलग है, लाइट और पंखे की व्यवस्था है, फराटा पंखा भी लगा हुआ है, यानी कि गर्मी भी नहीं पता चलेगी यहाँ पर कि गर्मी है कि नहीं है। तो यहाँ पर इस माध्यम से जो है लोगों को कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। गांव के लोग जो है इतने उत्साहित हो जाते हैं, जब गांव-गांव बस पहुंचती है एक गांव में, तो बच्चे जो है ऑटोमेटिक जो है बस को चारों तरफ से घेर लेते हैं, ऐसा जो है मनीष श्रीवास्तव जी का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मनीष जी को हम, ऐसी जो है शिक्षा ये कर रहे हैं यहाँ पर, दे रहे हैं लोगों को, इतनी उत्साहित है बच्चों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है कंप्यूटर का कोर्स जो है करने के लिए यहाँ से जो है अमरगंज से मिश्री की दूरी कम से कम 12-13 किलोमीटर की पड़ती है, कंप्यूटर सेंटर वहीं पर है। और जब गांव में निशुल्क कंप्यूटर सिखाया जा रहा है तो बच्चा जो है सेंटर पर पैसा क्यों खर्च करे, बात ये आती है। इस वजह से क्योंकि यहाँ पर बैठने की सुविधा, हर चीज की सुविधा यहाँ पे मौजूद है और अच्छी तरीके से कंप्यूटर का ज्ञान भी सिखाया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर सब लोग लाइन से बैठे हुए हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, सब लोग बाकायदा अपने अपने जो है लैपटॉप के सामने अपना कार्य कर रहे हैं। तो इतना बहुत ही देखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहली चीज तो निःशुल्क सेवा, यानी कि निःशुल्क फ्री ऑफ कास्ट, एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है लोगों से। तो आइए एक लोगों से और भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कल्पना यादव है। कहाँ से आती हैं आप? सर अमरगंज से। तो आपको इसकी जानकारी कैसे हुई कि बस के अंदर कंप्यूटर सिखाया जा रहा है? सर सबसे पहले यहाँ सर बस लेकर के आए तो सर हम लोगों ने अपने घर के पास से देखा कि वहाँ बस कंप्यूटर वाली आई है, तो हमारे पापा गए बस के पास, तो पापा ने बताया कंप्यूटर वाली बस सिखाने के लिए आती है, इसमें एडमिशन करवा लो, सीख जाओ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आप क्या अभी तक सीखा है, आपने क्या सीखा है? सर पहले हम कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते थे, अब सर हमें नोट पैड, वर्ड पैड, एक्सेल ये सारी चीजें चलानी आने लगी हैं सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पर ये सब व्यवस्था देख करके, बहुत ही अच्छा लगा। आइए हम बात करते हैं, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम चांदनी यादव है। कहाँ से हैं आप? सर अमरगंज से। आप ये बताइए कि यहाँ पर जो है गांव-गांव ये बस जा रही है, एकल अभियान के माध्यम से जो बस फाउंडेशन चलाया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको कैसे जानकारी हुई, आपको कैसे पता चला यहाँ पर कंप्यूटर सिखाया जा रहा है? सर यहाँ हमारे यहाँ सर आए थे स्कूल के पास, बस खड़ी कर दिया और वहाँ सब लोग देखने गए कि बस कौन सी बस आई है, तो सर बस पे पढ़े तो एकल अभियान बस संस्था से आई है, इसीलिए हम लोग जानकारी लिया, फिर एडमिशन करवाया, तो उस पर कंप्यूटर का कोर्स करवा रहे हैं सर DCT, और हम आए एडमिशन करवाए। सर बहुत अच्छा बताते हैं, और कंप्यूटर के बारे में सर हम कुछ भी नहीं जानते थे, अब थोड़ा बहुत जानने लगे हैं सर। अब आप कितने दिनों से कोर्स कर रही हैं? सर 12 अगस्त को आए थे सर, और 15 अगस्त से सर कर रहे हैं सर, एक दो दिन सर हम आ नहीं पाए थे। यानी कुल मिला के आपको 15 दिनों के अंदर आपने सीखा, तो आपको जो आपने सीखा तो आपको कैसा लग रहा है, यानी पहले से कुछ बेटर है कि कैसा क्या है? सर पहले से तो अच्छा लग रहा है, पहले तो कुछ नहीं आ रहा था सर। हाँ सर अब कंप्यूटर के बारे में सर जानकारी हो गई है सर, सर ने बताया है, वो नोट पैड भी कर लिया है, वर्ड पैड और टाइपिंग भी करने लगे। तो हम आपको बताते हैं यहाँ पर जो है आज अमरगंज जो है गांव पड़ता है एक लमसम नैमिस से 5 किलोमीटर की दूरी से आगे किए प्रताप नगर चौराहे के पहले अमरगंज गांव पड़ता है, ग्राम सभा पिपरी है, तो वहां पर आज ये अमरगंज में बस खड़ी हुई है यहां पर।
तो बस के माध्यम से जो है गांव-गांव जा करके कंप्यूटर का ज्ञान बस के अंदर ही दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है ये हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर जो है आज की दौर में, आज के युग में कंप्यूटर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विदाउट कंप्यूटर के बिना, यानी कि बगैर कंप्यूटर के आजकल कुछ भी नहीं हो सकता। आप चाहे जहां देखिए, चाहे कोई भी ऑफिस हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई ब्लॉग में भी कोई कार्य हो, चाहे स्कूल प्राइवेट ही स्कूल क्यों ना हो, सारा का सारा काम कंप्यूटर पे ही हो रहा है। अगर किसी की दुकान भी अगर है, किसी की छोटी भी दुकान है, उसके अंदर भी कंप्यूटर लगा हुआ है। तो इस वजह से कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटर का युग है, और सभी को जो है कंप्यूटर की शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि बगैर कंप्यूटर के जीवन गुजारना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आने वाले समय में कंप्यूटर ही सब कुछ होगा। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर, मैं ज्ञानेंद्र मौर्य, दादोत्तक 24 से, जिला चीफ ब्यूरो, धन्यवाद।